गरियाबंद में किसान धान की अच्छी फसल होने से जितने खुश हैं उतने ही चिंतित धान बेचने को लेकर भी हैं। जिले में बड़े पैमाने पर धान की कटाई तो शुरू हो गई है, लेकिन समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू नहीं हुई। किसानों ने खरीदी जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है। अभी किसानों के सामने अपना धान बेचने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और किसानों के मुताबिक सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 16 नवंबर से शुरू करने का फैसला लिया है, जिसमें अभी बहुत वक्त बाकी है। मजदूरों के पेमेंट और दिवाली का त्योहार मनाने के लिए उन्हें फिलहाल मंडी में सस्ते दामों पर धान बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है, इसलिए सरकार को धान खरीदी अब शुरू कर देना चाहिए। 3 एकड़ 3-4 एकड़ जमीन हाँ धान कटाई चालू हो थे और समय समस्या ये है कि हम धान ला रखन कहाँ और सरकार हा 1 नवंबर से चालू कर खरीदी ला वो हाँ 15 नवंबर कर दे है, 1 महीना समय है और 1 महीना के समय तक हम किसी इंतजार करन किसान आदमी मारा मारी हो गए, बीमारी है ये है वो है, लगभग 6-7 एकड़ हो गए सर। और मंडी के जो बात है तो 1 तारीख को खुलना है, सामने त्योहार भी है तो लेबर मन के पेमेंट भी देना है, 25-30 जन लेबर हाथ से कटाई चलत है कि धान रखे की समस्या ही। सरकार ला सोचना चाहिए कि कम से कम 15 दिन पहले करे। गरियाबंद में